अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स? जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों में बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो उसके लिए हमें कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। तो आप सभी के लिए मैं ईद उल अज़हा के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो मैंने लिया है, सबसे पहले यहाँ पर एक कुकर में लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल 2 बड़े चम्मच के हिसाब से। तो मैंने इस बड़े चम्मच का यूज़ किया है ऑयल के लिए और बिल्कुल भरकर इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही हमारा तेज़ गर्म हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ली है 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस चॉप्ड अनियन, और इसको अनियन को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अनियन जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम अनियन को बाहर निकाल लेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम अनियन को करेंगे गोल्डन ब्राउन और बीच बीच में से चलाते रहेंगे जिससे ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए, एक साइड से ये ब्लैक ब्लैक ना रहे। तो देखिए अब ये हल्की सी पिंकिश हुई है, हल्की सी इसमें ब्राउन कलर आ गया है, लेकिन हमें इसे डार्क गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए ये डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको आसानी से छलनी वाली उससे छानकर इसको निकाल लेंगे बाहर। तो थोड़ी सी अनियन को मैंने बाहर निकाल लिया है और थोड़ी सी अनियन अभी हमारी कुकर में ही है, तो फ्लेम को हम कर देंगे लो और इसमें ऐड करेंगे हम कुछ साबुत गरम मसाले। तो साबुत गरम मसाले हैं, इसमें है 2 तेज़पत्ता, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और 10-12 काली मिर्च। इन सभी को ऑयल में सॉटे करेंगे जिससे गरम मसालों की खुशबू उसमें आ जाए। तो 1-2 मिनट तक इसको सॉटे करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है अचार का मसाला, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून सिर्फ मेथी ली है और इन सभी मसालों को मैंने लिया है 1 टीस्पून, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून कलौंजी लिया है। मेथी की क्वांटिटी मैंने 1/4 टीस्पून ली है और सभी को मैंने 1 टीस्पून लिया है। इन सभी को भी 1 से 2 मिनट तक ऑयल में इन सभी मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई करेंगे, जिससे जो अचार का मसाला है वो अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाए और इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो बीफ, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने चिकनाई वाला यहाँ पर बीफ लिया है। तो आज हम बना रहे हैं बीफ की तारी, वो भी मेरे स्टाइल में, बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे कि मुरादाबाद की और मेरठ की, मुजफ्फरनगर की। ये बीफ की तारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग बहुत दूर दूर से आकर वहाँ पर खाने आते हैं। तो सेम वही स्टाइल में मैं बना रही हूँ बीफ तारी। तो आप सभी ने कीमे की तारी तो खाई होगी, आज आप मेरे तरीके से इस बकरा ईद में इस बीफ तारी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि हम तहरी बना रहे हैं तो इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे पिसे हुए धनिए का पाउडर, और इन सभी को कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए मैंने 1 किलो बीफ के हिसाब से इसमें सारे मसालों को ऐड किया है, और सभी मसालों की क्वांटिटी, आप बीफ अगर आपके पास कम है तो उसी हिसाब से मसाले की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे जो मसाले हैं, ड्राई मसाले हैं, वो हमारे जले नहीं। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच के हिसाब से लिया है। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच के हिसाब से, जिससे जो हमने इसमें मसाले ऐड करे हैं वो भी ना जले और अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो भी अच्छे से निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के रफली चॉप टमाटर। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें 1 ग्लास भरकर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम बीफ में बना रहे हैं तारी, तो गोश्त का सॉफ्ट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब हम लगा देंगे विसल। तो इसमें मैं विसल लगा रही हूँ, और 3 से 4 विसल लगने के बाद जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसको खोलकर देखेंगे।
तो जब इसमें 3 से 4 विसल लग जाएगी तो हम इसके ढक्कन को खोलकर देखेंगे, तो देखिए विसल रिलीज़ हो चुकी है, प्रेशर खुद से रिलीज़ हो चुका था और विसल भी बहुत अच्छे से लग चुकी है। तो अब देखिए हम बीफ को चेक करते हैं। तो एक बार आप बीफ को ज़रूर चेक कर लें कि आपके बीफ का जो पीस है वो सॉफ़्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, बीफ हमारा सॉफ़्ट हो चुका है, तो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। तो ये वेसल मुझे छोटा लग रहा है तो अब मैं इसको बड़े वेसल में कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इसमें चावल को भी ऐड करना है। तो मैंने इसे बड़े वेसल में ऐड कर लिया है। और याद रखिएगा, जब हम तहरी बना रहे हैं तो तहरी में गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है बिरयानी और पुलाव के हिसाब से। तो अब मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 100 ग्राम के करीब काली उड़द की दाल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 3 से 4 बार और 2 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दिया था। इससे ये दाल जल्दी ही सॉफ़्ट हो जाती है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम। तो जितनी भी दाल इसमें बाउल में थी सभी दाल को हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही बीफ के साथ पकाएंगे। अब 10 से 12 के करीब मैंने मिर्चें ली थी हरी वाली, जिसे बीच में से कट लगाकर इसमें ऐड कर दिया है। उसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करेंगे, जिससे जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी हमारा इसमें आ जाए। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, मसाले के साथ इनकी भुनाई हो चुकी है। तो मैंने इसमें ली है चावल बिरयानी राइस वाले बासमती राइस, जिसे अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। इससे चावल जो है बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो आप भी जब भी तहरी के लिए चावल लें तो बिरयानी राइस लें और उसी से ही तहरी बनाएं। सेला राइस अगर आप लेंगे तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे अब हम राइस। तो बिल्कुल भी राइस में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से पानी को निकाल कर तभी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। एक बार आप नमक ज़रूर चेक कर लें, अगर आपके मसाले में नमक कम है तो अपने हिसाब से आप जितना नमक खाना पसंद करते हैं उतना सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और पानी की क्वांटिटी भी आपको लिमिटेड रखनी है, इतनी रखनी है जितनी कि अभी मैं आपको बताऊँगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चावल लिया है, 1.5 किलो चावल मैंने 1 किलो बीफ लिया है। तो देखिए सिर्फ इतना पानी, इतना जो आपका करछी है जिससे आप चला रहे हैं वो इतना इसमें डूब जाना चाहिए, 1 इंच के बराबर जितना आपका फिंगर टिप होता है उतना, या आप पूरा एक स्पून जिससे हम खाते हैं ऊपर का हिस्सा उतना आपका वो डिप हो जाना चाहिए। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। अब इसको चला देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे से चलाएंगे, नहीं तो आपके जो राइस हैं वो टूट जाएंगे और फिर टूटने के बाद ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है और इसको ढककर रख देंगे हम, और 5 मिनट बाद इसको खोलकर देखेंगे। तो इसमें गार्निशिंग कर देंगे हम हरा धनिया। तो 5 मिनट बाद मैंने इसको ढककर रख दिया था और फिर 5 मिनट बाद मैं इसको खोलकर देख रही हूँ और इसमें हरे धनिया को ऐड किया है बिल्कुल किनारे के, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको चलाएंगे और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और फिर इसको हम खोलकर देखेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और जब हम खोलकर देखेंगे तो हमारे अनियन जो हमारी तहरी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, हमारी तहरी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। लास्ट में इसमें गार्निशिंग कर देंगे हम अनियन जो हमने बाहर निकाल लिए थे, उन अनियन से कर देंगे हम गार्निशिंग और तहरी हमारी स्पेशल बीफ तहरी बनकर तैयार है, मुरादाबाद वाली, मेरठ वाली और मुजफ्फरनगर वाली। तो रेसिपी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।